नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसके टेक्नोलॉजी 30 चैनल में। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज के वीडियो हम बात करने वाले सीटेट जुलाई 2020 का इन्फॉर्मेशन निकल कर आ चुका है, नोटिफिकेशन निकल कर आ चुकी है। तो चलिए इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे, क्या क्या योग्यताएं रखी गई है और कैसे अप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है आपको, और इसकी लास्ट डेट क्या है और एग्जाम डेट क्या है। बाकी इस साल जो क्या चेंजेस हुए 2020 में, क्या क्या चेंजेस हुए सीटेट में, इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे। तो अगर आप सीटेट्स का एग्जाम देना चाहते हैं, सीटेट का एप्लीकेशन अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने के पहले मैं बता दूं, अगर आपने सीटेट दिसंबर 2019 का एग्जाम दिया था तो उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट आ चुका है डीजी लॉकर में। तो आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो मेरा जो है आपको वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में, जिसमें मैंने कंप्लीट प्रोसेस बताया कैसे आपको सीटेट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है डीजी लॉकर से। तो वीडियो जाकर देख लीजिए और अपना सर्टिफिकेट और मार्कशीट डाउनलोड कर लीजिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस बात करते हैं। पहले सबसे पहले एग्जामिनेशन डेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो जुलाई में पेपर 2020 में होने वाला है, 5 जुलाई को रखी गई संडे के दिन 5 जुलाई 2020 को आपका एग्जामिनेशन होगा 2020 के सीटेट का दोस्तों। इसके अलावा ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके स्टार्ट हो जाएंगे 24 जनवरी 2020 से लेकर 24 फरवरी 2020 तक के बीच में आपको अप्लाई कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज है, 2 जुलाई में फिर आपका सीटेट का यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लेकर आ चुका है। और बाकी चलिए एक एक करके आपको सारी डिटेल दिखाऊंगा। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को पता चल सके दोस्तों। तो चलिए वीडियो लास्ट तक देखते रहे। तो चलिए आपको नीचे सारा इंफॉर्मेशन आपको दिखा देता हूं मैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए जब स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म तो आपको वीडियो मिल जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन फॉर्म कैसे आपको अप्लाई करना है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर यहाँ पर आपको लॉग इन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है और फॉर्म अप्लाई कर लेना है दोस्तों। बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, आपको वीडियो चैनल पर मिल जाएगा दोस्तों। इसके अलावा आप बात कर लेते हैं यहाँ पर सीटेट की फीस पेमेंट की। तो यहाँ अगर आप जनरल और ओबीसी कैंडिडेट है, अगर पेपर एक के लिए अप्लाई करते हैं, पेपर ओनली सिंगल पेपर के लिए, तो आपको 1000 रुपए की फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। और दोनों पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 1200 रुपए की फीस पेमेंट करने की पड़ेगी। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट है, तो आपको अगर एक पेपर अप्लाई करते हैं तो 500 रुपए और दोनों पेपर के लिए 600 रुपए देना पड़ेगा दोस्तों। देख सकते हैं इस बार फीस का ये जो है यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फीस आप ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं या जो है चालान के माध्यम से भी कर सकते हैं दोस्तों। चलिए बाकी इन्फॉर्मेशन एक एक करके देखूंगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन का वीडियो आपको जो है मिल जाएगा जैसे ही फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। ये यहाँ पर एग्जामिनेशन शेड्यूल देख लेते हैं। तो एग्जामिनेशन डेट मैंने पहले ही बता दिया, 5 जुलाई 2020 को आपको संडे का पेपर रहेगा। पेपर वन की बात करें तो यहाँ पर 9:30 बजे से 12 बजे तक रहेगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा। पेपर टू की बात करें तो 2 बजे से 4:30 बजे के बीच में आपका होगा, 2.5 घंटे का ये पेपर रहेगा। तो इस प्रकार आपका पेपर होगा दोस्तों। एलिजिबिलिटी की बात करो दोस्तों क्राइटेरिया की, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्राइमरी स्टेज के लिए 1 से 5 के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन जो हर साल रहती है यही उस साल भी आपके पास बीएड या बीटीसी होना चाहिए दोस्तों। आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन में आपको मिल जाएगा। आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड भी कर सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट से। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्ट जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। योग्यता जो पहले थी वही रखी गई यहाँ पर, 6 से 6 से 8वीं के लिए भी योग्यता जो पहले थी वही रखी गई दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं मैं ये यहाँ पर पेपर की बात करूँ तो आपका जो पेपर 1 से 5वीं के लिए होगा प्राइमरी स्टेज का, तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 स्टेज में डिवाइड है। यहाँ पर देख सकते हैं 5 भाग में डिवाइड है। सबसे पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी, तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। इसके बाद लैंग्वेज 1 जो कि कंपलसरी, यहाँ पर 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। लैंग्वेज 2 भी आपका कंपलसरी, यहाँ पर 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। इसके बाद मैथमेटिक्स होगी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। इन्वायरमेंटल स्टडीज होगी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। टोटल मिलाकर यहाँ पर 150 क्वेश्चन होते हैं 150 नंबर के दोस्तों, एक प्राइमरी स्टेज का है। पेपर टू की बात कर रहे हैं यहाँ 6 से 8 के लिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। लैंग्वेज 1 के 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। लैंग्वेज 2 के भी 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। इसके अलावा मैथमेटिक्स एंड साइंस, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो यहाँ पर 60 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के। इसके अलावा आप सोशल साइंस से हैं तो यहाँ पर आपके सोशल साइंस होंगे 60 क्वेश्चन 60 नंबर के। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे 150 नंबर के दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं सर्टिफिकेट कितने दिनों के लिए आपका मान होता है अगर एक बार आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका 7 साल 7 ईयर्स के लिए, मतलब 7 साल के लिए मान्य होगा। अगर आप 1 साल क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका 7 साल के लिए सर्टिफिकेट मान्य किया जाएगा, उसके बाद आपको फिर से पेपर देना होगा।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपको डिटेल में सिलेबस यहाँ पर दिया गया है कि क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, कंप्लीट डिटेल में सिलेबस दिया गया है। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप इसको डाउनलोड करके इसका सिलेबस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सीटेट से रिलेटेड किसी प्रकार की बुक की आवश्यकता हो, इसके यहाँ पर जो है आपको सेट पेपर की आवश्यकता हो, मॉडल पेपर की आवश्यकता हो, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर पहले से अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर डेली न्यूज पेपर मैगजीन भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा सीटेट के प्राइमरी और यहाँ पर जूनियर के लिए सभी प्रकार के बुक अवेलेबल है, तो वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों यहाँ पर एग्जाम सेंटर की बात करूँ तो एग्जाम सेंटर आपको सभी मेन मेन सिटी में मिल जाएंगे, हर जगह लगभग अवेलेबल है सेंटर, तो बहुत सारे जगह हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की हम बात कर ले तो देखा जाता हूँ मैं, उत्तर प्रदेश में यहाँ पर देख सकते हैं लगभग बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर सेंटर अवेलेबल है, आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, इटावा, गाजियाबाद, यहाँ पर गोरखपुर, इसके अलावा जौनपुर में जो पिछले साल से लागू है जौनपुर में भी सेंटर बना दिया गया, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरापुर, मऊ में भी पिछले साल से यहाँ पर बनना सेंटर स्टार्ट हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी जगह सेंटर अवेलेबल है, तो आप आसानी फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। तो फॉर्म जैसे ही स्टार्ट होगा इसका आपको वीडियो मिल जाएगा, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप बिना गलती के अप्लाई करना है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका आपको जवाब मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी को पता चल सके और आगे अब अपनी तैयारी में लग जाइए दोस्तों, ताकि सीटेट अगर आपका क्वालिफाई नहीं हो पाया तो जुलाई में आप क्वालिफाई कर जाएं। दोस्तों अगर आप इस साल अपीयरिंग है पहली बार देने जा रहे हैं तो भी आप जो है वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे और आप आसानी से क्लियर कर पाए जो है पहली बार अगर एग्जाम दे रहे हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।